अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजीज सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ बहुत ही मोतबर शख्सियत इंटेलेक्चुअल जनाब डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं बीबीसी और चीफ एडिटर लंदन पोस्ट के हैं और लिखते हैं सिक्योरिटी पे, टेररिज्म पे, फॉरेन पॉलिसी पे और मुख्तलिफ टीवी इंटरनेशनल चैनल आपने अल जजीरा में देखा होगा, प्रेस टीवी में, एमबीसी में, काजक टीवी काजकिस्तान पे, एलबीसी रेडियो लंदन में और इंटरनेशनल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑब्जर्वर काजकिस्तान के रहे हैं 2019, 2016, 2015, अजरबैजान के 2020 और पाकिस्तान 2002 के हवाले से, और बहुत खूबसूरत किताब लिखी है उन्होंने वॉर ऑन टेरर के हवाले से जो 2009 में, यानी इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो इश्यू मैं लेके जाने लगा हूँ, मैं एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूँ जो बहुत अंदर से चीजों को जानती है जी। और बहुत सी चीजें हैं, इमाम खुमैनी के हवाले से पॉलिटिकल थॉट के हवाले से थीसिस किया उन्होंने, लेकिन आज का जो इशू हमारा जो है ना, हम आपने मेरा पिछला प्रोग्राम देखा होगा कि हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से, ग्रे लिस्ट के हवाले से, एक नॉर्मल रूटीन के कॉन्टेक्स्ट में उसके मैकेनिक्स क्या हैं, टेक्निकलिटीज क्या हैं, व्हाट आर द रियल रीजंस कि उसके है क्या, और ये किस तरह कोहर्स करता है टारगेटेड स्टेट को वेस्टेड इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, और प्रीवियस गवर्नमेंट जो कसूर था, यानी हम दो तरह से गुफ्तगू करेंगे। एक तो आपको पता है कि मैं बड़े बड़े अरसे से लड़ रहा हूँ फाइनेंशियल टेररिज्म, या आज लफ्ज आया है इकोनॉमिक टेररिज्म, फाइनेंशियल टेररिज्म का, जब से मनी लॉन्ड्रिंग और ये मामला शुरू हुए आज से 10 साल से मैं उस वक्त से गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हमें इसको रोकना है, और हमें नहीं रोकेंगे तो नुकसान होगी। इस वक्त भी हालात और वाकया चाहिए। मैं शायद साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पहली तो बात जरा हम इनिशियली समझना चाहेंगे, हम बाद में आएंगे कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मकसद क्या था बनाने का, और ये क्या वजूहत क्या बनी, इसका वॉर ऑन टेरर से क्या ताल्लुक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसको बनाने वाले जो थे वो और थे, और फिर इसको हाईजैक कर लिया गया, इसको चलाने वाले जो लोग आए उन्होंने इसकी बुनियादों में इस किस्म की डायनामाइट्स और लैंडमाइंस लगाई जिसका खमियाजा हम 70 साल से भुगत रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी जानें दे चुके हैं उसके अंदर, और बहुत सारे लोग अभी भी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग आइंदा भी देते रहेंगे। मैं शुरू करता हूँ कि जो पाकिस्तान की, यानी जो ब्यूरोक्रेसी थी, पाकिस्तान की जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे उनका क्या रवैया था, कि एक ब्यूरोक्रेट, टॉप ब्यूरोक्रेट गुजरा है पाकिस्तान के अंदर एमएम अहमद के नाम से, जिसको 1947 मई में कायदे आजम ने उसको भेजा अमृतसर कि अगर अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर जब तुम्हें चार्ज दे कि ये अमृतसर पाकिस्तान में शामिल हो रहा है तो तुम उसका चार्ज ले लेना। यानी पाकिस्तान बनने से 4 महीने पहले उन्होंने उनको भेजा वहाँ पे कि तुम अमृतसर का चार्ज ले लेना जब अंग्रेज वहाँ से चार्ज छोड़े। तो जब ये वहाँ गया तो अमृतसर में गया तो अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने इसको बताया कि अमृतसर जो है वो पाकिस्तान में शामिल नहीं हो रहा, और ये इतला जो थी ये इसने कायदे आजम को नहीं दी, और ये बात जो है एम एम अहमद ने खुद लिखी है एक अपने मैगजीन में 1995 में, वो शाया हुआ था अल निहाल के नाम से, उसमें उसने लिखा है ये बात। उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ से कश्मीर का मसला शुरू होता है, क्योंकि अगर अमृतसर पाकिस्तान में शामिल हो जाता तो कश्मीर का मसला ही नहीं हो रहा था, इंडिया का लैंड रूट ही बंद हो जाना था वहां से, यहाँ से ये शुरू हुआ। फिर जो रेड क्लिफ अवार्ड बना तो रेड क्लिफ अवार्ड के जो 3 मेंबर थे उनमें एक, जहां तक मुझे याद पड़ता है, उसमें कोई जफरुल्लाह खान नामी शख्स भी उसका एक मेंबर था। बिल्कुल सर। और उस वक्त ये कहा गया, उनकी जो पार्टी थी या उनकी जो जमात थी, उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान बन रहा है हमने पूरी कोशिश करनी है कि ये पाकिस्तान जो है वो इसको अंडू कर दिया जाए, और ये बिल्कुल एक टेम्पररी फेज। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि मैं ये जिक्र नहीं करूंगा, ये सब सारी दुनिया को पता कि जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, मेरे बुजुर्ग और मेरे जो है वो, हम तो उनको नाना ही समझते थे क्योंकि हमारे नाना शहीद हो गए थे पाकिस्तान बनते हुए, तो हमारी माँ उनको बताती कि ये
तुम्हारे नाना जी हैं, तो जब कायद अजम का इंतकाल हुआ तो वो कोई बदकिस्मत शख्स होगा जो इतने करोड़ों लोगों के लीडर के जनाजे में मौजूद और वो उसका जनाजा ना पढ़े। और हम यहाँ बरतानिया में रहते हैं, हमारे यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, जूस भी हैं, अगर कोई फौत हो जाए तो हम अपनी एज ए मैटर ऑफ कर्टसी अपनी कंडोलेंसेस उनको जरूर देते हैं। लेकिन इस शख्स ने वहाँ मौजूद होते हुए, जिस शख्स ने उसको पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा बनाया, इस शख्स ने उसके जनाजे में शिरकत नहीं की, ये हिस्ट्री है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये मेरे पास डॉन की रिपोर्ट है जो 1 फरवरी 2002 को छपी है। इसमें डॉन लिखता है कि एम एम अहमद ने पाकिस्तान की जो करेंसी थी उसको 131% 131% डीवैल्यू कर दिया। जब वो 131% डीवैल्यू हो गई तो आज जो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है इसकी जो बुनियादें हैं ये उस वक्त रखी गई थी। एम एम अहमद बाद में वर्ल्ड बैंक IMF में चला गया और वो उन्हीं का बंदा था, बेसिकली उसने ये सारा सिलसिला शुरू किया। जाहिर है वो अकेला तो नहीं होगा ना, उसके साथ और भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे और लोग भी शामिल होंगे, एक अकेला आदमी तो ये नहीं कर सकता सारा जो ये हुआ। दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है या पाकिस्तान के जो कर्ता धर्ता है, उन्होंने आज तक जितने मुआहदे किए इंटरनेशनल, वो सारे उनमें से अक्सर वन साइडेड मुआहदे उन्होंने साइन किए, यानी वो मुआहदे साइन किए जो पाकिस्तान की डैमेजिंग थे। जैसे सीटों का मुआहदा, सेंटों का मुआहदा जब साइन हुआ तो यूब खान ने कहा मुझे तो पता नहीं था कि ये क्या मुआहदा है, और उसको उसकी स्मॉल प्रिंट का नहीं पता था। और जब जंग हुई 1965 की तो इंडिया ने अमेरिका ने हमारी इमदाद बंद कर दी और असला भी बंद कर दिया और पुर्जे भी बंद कर दिए, तो उसमें जो स्मॉल प्रिंट लिखा था कि अगर कोई कम्युनिस्ट मुल्क हमला करे तो कम्युनिस्ट मुल्क से तो हमारी बॉर्डर ही नहीं मिलते थे, चाइना हमारा दोस्त था। तो हमने जो अमरीका को अड्डे दिए, हमने दुश्मनी मोल ली रशिया की, सोवियत यूनियन की, अमेरिका की मोहब्बत में, तो उसमें ये सारे लोग फिर शामिल थे। फिर उसके बाद अब अगर थोड़ा सा मजीद आगे आ जाएं तो इसहाक डार जो था जब ये वजीर खजाना था, तो इसने ये बड़ी रिकॉर्ड की बात है कि इन्होंने फज फिगर जो थे वो IMF को दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फाइन हुआ था। ठीक है, ये हुआ कि अगर आप ना सिर्फ ये किया बल्कि अगर आपका कोई दोस्त आपकी मदद भी करना चाहे, जैसे मुझे अगर पैसों की जरूरत हो और मैं आपसे कहूं कि यार मेरी मदद कर दें आप, और आप खामोशी से मेरे घर में आके मेरी मदद कर दें, तो और मेरी दुश्मनी भी किसी बड़े से हो तो वो आप उसको पता चल जाए कि अज़र सदीक ने इसकी मदद की है, तो वो आपके लिए भी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो हुआ ये कि सऊदी अरेबिया ने, जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा कि मैं आपको डिफर्ड पेमेंट पे या फ्री पेमेंट पे मैं तेल दे दूंगा आपको, आपने किसी को बताना नहीं। लेकिन यही इसहाक डार एंड कंपनी गए IMF के पास और वर्ल्ड बैंक के पास, उन्होंने जाकर उनको बताया कि सऊदी अरेबिया हमें फ्री ऑयल दे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दोबारा नुकसान पहुंचा। ये मैं सारी बातें, ये आप वेरीफाइड है, मैं कोई एग्रीड और ये बात जो आप कर रही है, ये मैं शाह साहब आपने बड़ी जबरदस्त बेस बना के ना, ये जो आप असल नुक्ते पे जो आप लेकर आए हैं, ये वो हार्ड फैक्ट्स है जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बताता नहीं है, जो असल चीज लाता नहीं है। आपको बुलाने का मकसद और हमारे इस प्रोग्राम में बैठने का मकसद है, हम सच बताना चाहते हैं। और आपने बड़े खूबसूरत तरीके से ये बार बार, अभी तक कोई मानने के लिए शायद तैयार ना हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर सियासी जमातों में, लेकिन आप सच बोल रहे हैं। आप आगे एक बात करें, देखें बात यह है कि एज ए क्रेडिबल जर्नलिस्ट इन यूनाइटेड किंगडम, एंड यहाँ पे हम अगर आप कोई कच्ची बात करें या अनलॉफुल बात करें तो आप लायबल टू लॉ होते हैं। तो हमारा काम जो होता है कि वो फैक्ट्स बेस्ड वेरीफाइड फैक्ट्स आपको देना, और चूंकि यूट्यूब चैनल एक ऐसी चीज सामने आई है कि जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है पाकिस्तान में, वो इरेलीवेंट होता जा रहा है। अब आते हैं आपके जो असल टॉपिक था कि फेटफ जो है वो क्या है। तो जो फेटफ है ये, इसकी बुनियाद रखी गई थी 1989 में, और इसको इसकी जो मेन कर्ता धर्ता थे वो जो G7 कंट्रीज थी, इसके मेन जो लोग थे। अभी G7 का इजलास हुआ यहाँ UK के अंदर ही हुआ है, वहां पे
और ये जो G7 के वो ये वो मुल्क हैं, ज्यादातर इनमें अक्सरियत उन मुल्कों की है जो कलोनियल्स रहे हैं, जिन्होंने दुनिया के दूसरे मुल्कों को अपनी कलोनीज बना के रखा है। तो जो मौजूदा जंग हो रही है, इस वक्त दुनिया में, वो इस्लाम और कुफर की जंग नहीं हो, वो जंग हो रही है कलोनियल्स एंड विक्टिम्स ऑफ कलोनियलिज्म, उनकी जंग हो रही है। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, जैसे जापान से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि चाइना जो है वो इतनी तरक्की कैसे कर गया, क्योंकि चाइना जापान की कॉलोनी रहा है। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो बर्तानिया की कॉलोनी रहा है। तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और एक बड़ी अहम बात, आप चूंकि लॉस ताल्लुक रखते हैं तो, और ये बड़ी स्ट्रेटेजिक बात है कि जो यहाँ के जो बड़े थिंक टैंक्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो एक फाइबर होता है, जेनेटिक फाइबर होता है किसी मुल्क का, वो जो हमारा जो पाकिस्तान का जो जेनेटिक फाइबर है वो 1947 से शुरू नहीं होता, वो हड़प्पा और टेक्सला और उससे पहले से 3-4 हज़ार साल पुराना वो हमारा जेनेटिक फाइबर चला आ रहा है। उनको असल में खतरा ये है पाकिस्तान से और तुर्की से कि ये जो मुल्क हैं, ये दोनों मुल्क जो थे ये अम्पायर बिल्डर्स हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी अम्पायर चलाई, इनको पता है कि बड़े बड़े मुल्कों को कैसे चलाया जाता है। इसी वजह से नवाज शरीफ जैसे नलायक लोग, करप्ट लोग, आसिफ अली जरदारी जैसे बदकिरदार करप्ट लोग, और बेनजीर भुट्टो उनसे, ये सारा जो क्लॉन है, भुट्टो क्लैन और ये जरदारी और ये सारा उस चीज का हिस्सा था कि जब हम जिसको कहते हैं कि वेन यू प्ले विद अ वीक टीम यू प्ले फॉर द एनिमी, कि हमने हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें जो हम लीडरशिप सामने लेके, हमने एक रजवाड़े और ये खानदान ले आए, और ये जो शरीफ्स हैं ये इनको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से वो फिर कभी, चूंकि ये भी ओल्ड रावियन है, मैं भी ओल्ड रावियन हूँ, तो मैं मैंने शायद साहब ये गुफ्तगू आपसे करनी है, मैंने अब बहुत कुछ पिक कर लिया, आई हर्ड अ लॉट अबाउट यू, और मैंने आपको बार बार तकलीफ देती रहनी है इस टॉपिक पे ना, जो आपने वो चैप्टर खोल दिया है शायद साहब जो हमारी कौम समझना नहीं चाहती। बेसिकली ये क्लैन जितने भी हैं, दीज आर दी टूल्स ऑफ दोस कॉलोनियल मास्टर्स, ये हकीकत है। और उनकी इब्तदा जो है, आपसे मैंने एक अलहदा प्रोग्राम पे जरूर सुननी है, माजत के साथ क्योंकि बात छेड़ दी, लेकिन मैंने अपने नाज़रीन को बताना है कि हम अभी नहीं कर रहे, लेकिन इस पे हमने गुफ्तगू जरूर करनी है। देखें अभी जो FATF है वो एक उसके 39 मेंबर्स हैं, 39 में दो ऑर्गेनाइजेशंस है और 37 कंट्रीज, तो दुनिया में इस वक्त 200 से ज्यादा ममालिक है। तो अगर मैं पाकिस्तान में होता या मैं एक एंटिटी होता तो मैं सबसे पहले इस FATF की जो एग्जिस्टेंस है, इसकी जो लीगैलिटी है, इसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है, उसको मैं चैलेंज कर। अभी कुछ साल पहले जब साउथ चाइना सी के अंदर टेंशन थी और फिलीपीन जो था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जब चला गया, तो मुझे जिनवा जो चाइना की न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने एज एन एक्सपर्ट मेरे से रब्ता किया। तो मैंने ये कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तो ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं है, ये तो एक बायलैटरल इशू है, जब तक बायलैटरली एक इशू रिजॉल्व ना हो जाए उस वक्त तक आप उसको इंटरनेशनल स्टेज पे कैसे लेके जा सकते हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने उसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया जबकि उसकी ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं थी। तो चाइना ने उसके बाद ये छपी भी है, जिनवा ने अपनी वेबसाइट पर इसको छापा बाद में, तो ये उसके बाद उसका नतीजा क्या निकला कि चीन ने फिलिपीन के साथ जाती ताल्लुकात बनाए, उनके सदर को बुलाया और उन्होंने वो जो जजीरों का मसला था उसको उन्होंने बायलैटरली उसमें उन्होंने टेंशन नहीं बढ़ने दी। यानी चीज ये है कि अगर मुझे कोई शख्स वारंट भेजता है या मुझे कोई शख्स चैलेंज करता है तो मेरा काम है कि मैं उसकी पहले ID तलब करूं कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या ID है, तुम्हारी क्या। तो जो लोग पाकिस्तान को FATF में लेके गए तो इनको चाहिए था कि ये सबसे पहले FATF की ज्यूरिस्डिक्शन को चैलेंज करते। यही काम ये नून लीग के जमाने में गए, और नून लीग ने जो दूसरा पाकिस्तान के साथ बहुत सारी गद्दारियों में से जो दूसरी गद्दारी की वो ये की कि इन्होंने कुलभूषण यादव का जो केस था उसको ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ले गए।
जबकि पाकिस्तान के अंदर जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उसकी ऑप्शंस को उन्होंने अवेल ही नहीं किया था, और इनका मंसूबा यह था कि हम कुलभूषण को वहां ले जाएंगे और वहां पाकिस्तान कोई जाली सा कोई नकली सा वकील भेज देगा और वो वहां पे हम केस हार जाएंगे और फिर आप कुलभूषण को ले जाना, हम कहेंगे जी आईसीजी का फैसला था, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उसकी असल वजह ये थी, और उस केस के अंदर आईसीजी के जे के अंदर जो इंडियन वकील था, डिफेंस लॉयर था, उसने नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट थी उसको एज एन एविडेंस उसने पेश किया वहां पे जाकर, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके तमाम चौगादरियों के लिए डूब मरने का मकाम है। एक दुश्मन मुल्क जो है वो आपके लीडर की कही हुई बात को एज एन एविडेंस लेके जा रहे। अब थोड़ा सा आगे चलते, मुंबई अटैक्स जब हुए तो मुंबई अटैक्स में नवाज शरीफ ने सबसे पहले रॉयटर्स को और डॉन को कहा कि मैंने पता करवाया अजमल कसाब के और मैं पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और हम ऐसा क्यों करते हैं और ये वो सारा। फिर इन्होंने जो पठानकोट का जो वाकया पेश आया उसकी FIR पंजाब पुलिस ने दर्ज की पाकिस्तान में। ये दुनिया का पहला वाकया है कि जो क्राइम सीन है वो दूसरे मुल्क में है, उसकी रिपोर्ट ऐसे मुल्क में दर्ज हो रही है जहां पे उनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं। ये भी शहबाज शरीफ की पंजाब पुलिस का एक कारनामा था। कमिंग बैक टू मुंबई अटैक्स, जो आईजी महाराष्ट्र थे, आईजी महाराष्ट्र जो यानी मुंबई का जो की जो रियासत है पूरी, उसके जो आईजी साहब थे उनसे मेरी बात हुई, उनको मैंने उनसे फोन किया और मैंने मुंबई अटैक्स पे सबसे ज्यादा मैंने लिखा है, मेरी जो रिपोर्ट्स थी, मेरी जो आर्टिकल्स छपे हुए हैं उसको जो पाकिस्तान का जो कमीशन गया था इंडिया वो मेरी रिपोर्ट्स को लेके गया था। ठीक है जी, तो मैं इस मामले में आपको जो बात बताऊंगा वो पक्की बात बताऊंगा। जब मैंने आईजी साहब से ये पूछा, उन्होंने ये कहा कि मैंने महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन दायर की हुई है कि मुंबई अटैक्स को री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जिस वक्त मुंबई अटैक्स हुए उस वक्त अजमल कसाब जो था इंडियन एजेंसीज के की डिटेंशन में था, यानी वो उनके पास था उस वक्त जिस वक्त मुंबई अटैक्स हुए। तो नवाज शरीफ या रहमान मलिक या ये लोग किस बुनियाद के ऊपर इन्होंने सारे का सारा ब्लेम जो है वो पाकिस्तान पे रख दिया। मैंने जो सवाल उठाया, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मिलिट्री थिंक टैंक है बर्तानिया का, रूसी उसको बोलते हैं, उस थिंक टैंक के एक बड़े एक्सपर्ट से जब मेरी बात हुई, जब ये एज वी स्पीक जब ये वाकया हुआ था, ताज़े ताज़े वाकया था, अभी 12 घंटे भी नहीं गुजरे, तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर कुरैशी, इस मुंबई अटैक्स के बराबर के ऑपरेशन करने के लिए कम अज कम 100 बंदों की जरूरत होगी, अगर 100 बंदा हो तो वो ये इस तरह का ऑपरेशन कर सकता है। और कराची से लेके मुंबई तक इंडियन नेवी की 19 पोस्टें आती हैं, वहां से लेकर वहां तक जाने में। तो मैं तो सबसे पहले इंडियन नेवल चीफ को सैक कर देता अगर उसको ये सारा कुछ हो रहा था, और उसको और वहां तक पहुंचने में कोई 23-18-19 घंटे लगते हैं, तो वो बहुत बड़ा सुपरमैन होगा जो 18-19 घंटे बोट में जाए और वहां जाके फिर वो नए नए ताजा ताजा स्त्री शुदा कपड़े पहन के और वो गन लेके वो आ जाए वहां पे और फिर वो आके ऑपरेशन करे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिस तरह कुलभूषण को जब पकड़ा गया तो नवाज शरीफ ने नापसंदीदगी का इजहार किया, इसने इंडिया के साथ प्रोटेस्ट भी नहीं किया, जिसकी वजह से जनरल राहील शरीफ को खुद ईरानियन आर्मी प्रेसिडेंट के साथ इसको उठाना पड़ा इस मामले को, क्योंकि नवाज शरीफ किया कहता था जी हमारे बंदे भी तो जाते हैं वहां। उसमें जो उस बात के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसके बाद डॉन लीक्स हो, डॉन लीक्स में नवाज शरीफ ने रो के आंखों में आंसू ला के कहा कि आप मरियम नवाज को माफ कर दे, और मैं ये कहता हूँ कि राहील शरीफ जितनी जिंदगी रहेगा उसको शर्म आती रहेगी इस बात के ऊपर कि मैंने इस औरत को क्यों माफ किया, आर्मी एक्ट क्यों नहीं लगाया इसको। बिल्कुल ऐसा ही, ये सारी चीजें जब मैं आपको बात बड़ी जबरदस्त बता दूं, अजहर सिद्दीक वो आदमी है जिसने डॉन लीक्स वाला मामला उठाया, सिरिल अल्मिडा को मैंने खत लिखे, मैं लाहौर हाईकोर्ट में मैटर लेके गया, फिर वो सिरिल अल्मिडा और इनका जितना मामला था, जिस तरह स्पेशल मीटिंग की, स्पेशल जहाज गया मुल्तान में, जैसे स्पेशल मीटिंग हुई
वो सारे रिकॉर्ड की चीजें हैं, लेकिन दो अफसोस और दुख का मकाम है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर जो पाकिस्तान नून लीग के वोटर्स हैं वो इस बात को समझते नहीं है कि ये इनको समझना पड़ेगा कि नवाज शरीफ अगर आज वो नवाज शरीफ वो आदमी है भुट्टो साथ, अगर जुल्फिकार अली भुट्टो को देखे हम उन्हें गद्दार कहते रहे वो इस मुल्क से निकल ना सके, नवाज शरीफ जिसको मोहब्बत रहने को निकाल कर भी ले गए और वापिस भी ले आए और अब फिर ये इंग्लैंड में बैठा हुआ, कमाल की बात ये। देखिए हमने इसरार खजाना साहब के प्रोग्राम में मैंने ही ये स्टोरी ब्रेक की थी कि रॉ ने नवाज शरीफ को 1978 में रिक्रूट कर लिया था और आईएसआई के एक अफसर ने इसको अपनी फाइल में रिपोर्ट किया था और फिर उसी अफसर ने आईएसआई के अफसर ने जो द मुस्लिम अखबार था इस्लामाबाद से उसमें उसने एक आर्टिकल भी लिखा कि नवाज शरीफ इज ए रॉ एसेट। अब एजेंसी जो होती है उसका काम होता है कि उसको काम होता है कि वो एक वाक्य को एक चीज को वो रिपोर्ट करे, आगे से पॉलिटिशियंस उस पर अमल करते नहीं करते या उसको कैसे लेते हैं, जैसे मुर्तजा भुट्टो का केस था उस पर जहाज अगवा किया जब वो एमपीए बन गया उसकी सारी इंटेलिजेंस फाइल गायब होती गई, सफ़े कम होते गए उसकी फाइल्स में से, पीपल्स पार्टी जहाज अगवा करती है पाकिस्तान का, पीपल्स पार्टी ने फौजी अफसरों को गोलियां मारी, पीपल्स पार्टी ने बम धमाके पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी ने चौधरी जहूरलाई को शहीद किया और आज वो यानी बेनजीर भुट्टो ने मेरी मौजूदगी में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मेरे साथ जियाउद्दीन मेरे साथ बैठे जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एडिटर थे डॉन के एडिटर थे, बिल्कुल सही बेनजीर ने कहा आई अपोलोजाइज फॉर द क्रिएशन ऑफ तालिबान, कि मैं तालिबान को क्रिएट करने के लिए माजत आऊं। और ये जो बेटा उनका उसको ये पता ही नहीं है कि उसकी अम्मी का क्या और उसके नाना का क्या क्या किरदार था अफगानिस्तान से गुलबुद्दीन हिकमत यार ये जो अफगान लीडर्स को पाकिस्तान बुलाने में तो जियाउल हक का कोई रोल ही नहीं था, लेकिन ये इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है, झूठ बोलते हैं यहाँ के आपके जर्नलिस्ट भी और आपके एकेडमिक्स भी जो ये बात नहीं बताते कि पाकिस्तान में अफगानियों को लाने वाला सबसे पहले तो जुल्फिकार अली भुट्टो था, तालिबान बनाने वाली मेरे बच्चे तालिबान तो वो जनरल बाबर कहा करते थे, नसीरुल्लाह बाबर कहते थे तालिबान माय किड्स माय चिल्ड्रन। तो आप जो है ब्लेम करते हैं इमरान खान को कि इमरान खान तालिबान खान हो गया, मतलब ये हिस्ट्री के हिस्से हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके। तो जब एक ऐसी सिचुएशन हो और ये जो पॉलिटी पूरी जो नून लीग है सारी की सारी, अगर ये अगर नवाज शरीफ बरतानवी शहरी होता और ये कर यही कुछ करता जो उसने पाकिस्तान के किया, मैं आपको 1000% शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इस वक्त उसकी लाश भी ना आपको मिलती, दरिया में उन्होंने दबा देना था और मिल उसको वो मिलती ना लाश। इस तरह की जो सिक्योरिटी और इस तरह की ब्रीचेस के साथ वन कैन गेट अवे विद मर्डर, ये तो मर्डर से भी बड़ी चीज है, आप मर्डर से भी बहुत यानी अब मर्डर में तो एक धमाका होता बम धमाका 10-15 बंदे मर गए, लेकिन जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया इन्होंने तो पूरी पाकिस्तान की नस्लों को गिरवी रख दिया, यानी पाकिस्तान के मोटरवेज, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स, पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन तो इस आगडार ने गिरवी रख दिया और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने। पाकिस्तान का जो मीडिया है उसका ये काम है कि वो जिसकी वजह से ये यूट्यूब चैनल और ये जो नौजवान बच्चे हैं ये सीनियर जो सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट है उनकी इज्जत नहीं करते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। तो जो आपके सामने जो अभी एफएटीएफ की बात हो रही थी कि एफएटीएफ की जो अभी मैंने कल एक आर्टिकल लिखा, मैंने 2018 में आर्टिकल लिखा, मैंने 2017 में एक आपको हमारे एक वीडियो लगाई है कि एक कजाकिस्तान में एक मीटिंग हो रही थी बहुत बड़ी और उस वहां पे एक इजरायली मिनिस्टर था उसने एक लिस्ट पेश की कि जी ये ग्रुप्स हैं जो टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुमने एक लिस्ट में एक और चीज को भी ऐड करो वो बैंक्स है, कि जो बैंक्स का रोल है टेररिस्ट फाइनेंसिंग में उसको तो तुमने ऐड ही नहीं किया। अब आते हैं स्विस बैंक्स का जो रोल है कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो बैंक्स हैं वो 2% लेते हैं अगर आपने अपना पैसा उनके पास रखना और वो 4% पे या इससे ज्यादा पे कमर्शियल लोन दे देते हैं, तो वो 6% उनको बगैर कुछ किए मिल जाता। और एक और बात है कि जो पाकिस्तान के जो ये मेरा जो अगर कोई लोग सुन रहा है कोई सियाणा बंदा अगर सुनता पे है आपके, तो स्विट्जरलैंड में जो सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं वो इंडियंस के हैं,
बहुत बड़ी कि सबसे ज्यादा जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई या की वो इंडियंस ने की, क्योंकि स्विस स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट्स उनके। अच्छा, जब ये जो ऑफशोर बैंक्स हैं यानी जर्सी आइलैंड और ये ऑफशोर ये जो बहामास और पनामा और ये सारी जो ये कंपनी ये इनकी मौजूदगी, मैंने वो जो लिस्ट देखी जिन लोगों को उन्होंने फेटफ जो है जिन लोगों को देख रहा है जिन मुल्कों को, उसमें इन इन जजीरों का कोई नाम नहीं है। They were not even mentioned. कमाल की बात। अभी 2019 में मैं जब कजाकिस्तान में था तो वहां पे मेरी मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के साथ, आई हैड अ लॉन्ग चैट विद हिम। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये जो तुम्हारा जो डेफिसिट है, तुम्हारा जो डेट है, वो तो ऑफशोर बैंकिंग की वजह से है। तुम्हारा सारा अमेरिका का ये जो वॉर ऑन टेरर हुई अभी अफगानिस्तान में, इस पे 2 ट्रिलियन जो खर्च हुआ, वो सारे का सारा पैसा तो कभी आया ही नहीं अफगानिस्तान में, वो वहीं से वहीं रीसर्कल होके उन्हीं ऑफशोर बैंक्स में और उन्हीं आयरलैंड में। तो उसने मुझे ये कहा, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर था, उसको उस पर उन्होंने केस बनवा दिया वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने, जिसको आखिरी दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने माफ कर दिया था, उसको बचाया उसने इसी। वो कह रहे थे कि हमने प्रेसिडेंट ट्रंप जो था वो चूंकि खुद बिजनेसमैन था और उसको पता था कि वॉल स्ट्रीट उसके क्यों खिलाफ है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसके क्यों खिलाफ है, वो यही वजह थी कि वो ऑफशोर बैंकिंग के खिलाफ था कि तुम लोग जिस मुल्क में बिजनेस करते हो तुम उसमें टैक्स नहीं पे करते, कंपनियां तुमने कहीं और रजिस्टर कराई हैं, बिजनेस किसी और मुल्क में कर रहे हो, टैक्स तुम देते नहीं हो। ठीक है जी, इसी तरह बर्तानिया में भी ये जो यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टेस्को, एस्डा, ये जो फूड चेन्स हैं, इस तरह की बड़ी और बड़ी बड़ी कंपनियां जो, इन्होंने भी ऑफशोर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराई हुई है और वहां से उसकी वजह से ये टैक्स बर्तानिया में नहीं पे करते और उसकी वजह से ये बिलियंस ऑफ पाउंड का जो है ना दे गेट अवे विद। ये जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं नवाज शरीफ साहब ने जो खरीदे, ये उन्हीं ऑफशोर कंपनीज के नाम से खरीदे गए, बीवीआई ब्रिटिश वर्जन आइलैंड सारी पनामा ऑफशोर कंपनी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर मैं अपना केस लड़ रहा हूँ एफएटीएफ में, तो मैं सबसे पहले जाके ये पूछूं कि जनाब मैं तो विक्टिम हूं, मेरे मुल्क से तो ये पैसा चोरी हुआ है, तो आप जिसके घर से चोरी हुआ है आपने उसी के खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया, जिनके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम गई हैं, दोज हु आर हैंडलिंग विद स्टोलन गुड्स, यानी बर्तानिया का जो एक एक्ट है उसको पोका बोलते हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट, यानी आपकी ऐसी चीजें हो जो ऐसी आमदन जो जराइम की वजह से आपको मिली हो, वो उसको जो है वो टैकल करने के लिए है। एक उन्होंने बनाया है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ। ये अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ का बैकग्राउंड ये है कि जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो रशिया से बहुत ज्यादा लोग, पुतिन के बहुत ज्यादा रशियन माफिया और ये सब लोग जो थे, इनके पास बैंक अकाउंट्स तो थे ही नहीं, तो इन्होंने इनको इजाजत दे दी कि तुम अपने बैगों में पैसे भर के ले आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उन्होंने आके बैगों में भर भर के लेके आए वो पैसे प्राइवेट जेट्स में, और उन्होंने यहाँ आके बड़े बड़े विलाज और अपार्टमेंट्स यहाँ वेस्ट लंदन में और साउथ लंदन में उन्होंने खरीदे। अभी जब थोड़ी सी टेंशन पैदा हुई रशिया के साथ बर्तानिया की, तो इन्होंने अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ का ये बिल लिया। वो सारे बंदे जो उसमें आ रहे थे उसमें नवाज शरीफ भी आ गए शामिल, ये भी अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है, इनको भी नहीं पता कि इनसे सवाल करते हैं कि जी वो दादाजी ने दिए हो गया अपना, यानी अगर कोई प्रोसिक्यूशन हो रही हो सही तरीके से they don't have a leg to stand to defend. अच्छा मुझे एक और बताइएगा, मुझे और बताइएगा, यहाँ यहाँ एक नेशनल क्राइम एजेंसी भी है, एनसीए भी मौजूद है। अभी आपने एक और केस देखा है वो जस्टिस काजी फैसला की मिसेस सरीना ईसा के हवाले से है, वो पाकिस्तान से जो पैसा है वो डिक्लेयर नहीं है, वो सारा यहाँ आया हुआ है। अगर देखा जाए तो दोहरा मयार या दोहरा चेहरा तो बड़ा वादे तौर पर आ गया ना, वो चाहे पीवीआई कंपनीज ले लें, पनामा ले लें, बहामाज ले लें, जितने भी ले लें, यानी प्रोसीड का पैसा लाके ये सेफ हेवन बने हुए हैं। तो इन सेफ हेवन को पूछने का कोई नहीं है, यूएनओ भी खामोश बैठा हुआ है, ये एफएटीएफ वाले भी सारे खामोश बैठे हैं, आखिर इनको पूछेगा कौन? देखिए बात ये है सर के पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ज्यादातर रंगबाज हैं और वो प्रोटेस्ट पे बिलीव करते हैं, वो एप्लीकेशन पे या लीगल प्रोसीजर्स को
नहीं पूरा करते। आपने दरख्वास्त देनी है ना यूनाइटेड नेशंस में, आप लाएं करारदाद। मैंने कुछ अरसे पहले एक बकायदा ड्राफ्ट करके एक करारदाद भेजी थी कि पाकिस्तान को, जब ये पाकिस्तान एफएटीएफ में नया नया इन्होंने 2017-18 की बात, तो ड्राफ्ट करके मैंने भेजी कि आप इसको इस पे जो है ना वो इस पाकिस्तानी करारदाद पेश करें यूएन के अंदर और तमाम इंटरनेशनल फोरम्स में जहाँ पॉसिबल है। यहाँ पे 2016 में मेरे ख्याल 2016 ही था, जनरल राहिल शरीफ साहब एक प्रेस को एक यहाँ का मिलिट्री थिंक टैंक्स में वो आए कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उस थिंक टैंक्स के में जो उसमें डायरेक्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे भी बात हो रही थी, टेररिज्म पे भी बात हो रही थी, तो यहाँ के एक हमारे बड़े अच्छे एक एमपी हैं चिश्ती साहब हैं यहाँ पे, तो वो चिश्ती साहब से मैंने सवाल किया कि जी पाकिस्तान जो है वो स्विस बैंक्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान का $200 बिलियन जो है वो स्विस बैंकों में पड़ा है, तो क्या बरतानिया जो है वो पाकिस्तान की दरख्वास्त को सपोर्ट करेगा अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उस पैसे को वापस लाने के लिए कोई एक्शन करती है, तो विल द यूके विल सपोर्ट। अब चूंकि चिश्ती साहब खुद बैरिस्टर हैं, तो उन्होंने मुझे, मैंने एक आर्टिकल इसको एक आर्टिकल में भी लिखा, और उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल जो है वो स्विस अटॉर्नी जनरल को एक खत लिख दे कि हमें आपके फला मैजिस्ट्रेट ने, फला आपके इदारे ने ये कहा है कि आपके $200 बिलियन से ज़्यादा की रकम आपके बैंकों में मौजूद है जो पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों के साथ लिंक है, एंड सो वी वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक बकायदा लेटर एक लिखा इसहाक डार की तरफ से, यानी एक जैसे एक प्रॉपर लेटर होता है उस पर, अगर वो मैं लेटर आपको भेजूं, आप उसका सिर्फ प्रिंट आउट निकाल के उस पर एक टिकट लगा के पाकिस्तान से पोस्ट कर दें, तो दैट वुड बी एनफ टू ट्रिगर द प्रोसेस इन स्विट्जरलैंड। मैं चाहूंगा वो मुझे आपने शेयर करना है, एंड और इस प्लेटफॉर्म पे मैं ऐलान कर रहा हूं, वो आपको हमारी लंदन पोस्ट की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, वो पब्लिश हुआ हुआ, मैंने पब्लिश कर दिया था। I would like to have that document, और मैं लिखूंगा ये बात अभी, मैं कह रहा हूं। उसमें जो हमारी पाकिस्तान की जो प्ली थी वो ये थी कि जो यूएन ने एसेट रिकवरी यूनिट बनाया था वो उसकी लेजिस्लेशन में आते हुए उसको हम यूज कर सकते थे, और बल्कि FBI जो थी, अमेरिकन FBI ने स्विट्जरलैंड को फोर्स करके उनसे लिस्ट ली थी कि आप, हम वी वॉन्ट टू नो कि हमारे मुल्कों के कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनके पास, जिनके यहाँ स्विट्जरलैंड में अकाउंट है, और स्विट्जरलैंड ने बकायदा FBI को वो लिस्ट दी थी। तो इन्होंने जो $200 बिलियन का किसने कहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर, इसहाक डार ने कहा था, ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि $200 बिलियन वहां स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़ा है। तो ये PTI को क्यों कहते हैं कि जी तुम $200 बिलियन नहीं ला सकते। उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर आता है वो जो बाजवा साहब जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उसका ये काम था बिकॉज ही इज द कस्टोडियन ऑफ ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। वो शख्स जो था वो जो लैंड माइंस का मैंने जिक्र किया ना, पाकिस्तान का मसला जो है वो गुर्बत या बेरोजगारी या जहालत नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गद्दारी है। ये बात मैंने आज से 7 साल पहले BBC पे कही थी, पाकिस्तान नंबर वन प्रॉब्लम इज ट्रेचरी, गद्दारी है। आप अपने औहदे से गद्दारी करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स, लॉयर्स, जजेस, जो कुछ ये करते हैं वो अपने हल्फ से गद्दारी है जो मुल्क का नुकसान पहुंचता है। तो ये जो FATF है, हमारे इस सेशन का वक्त लंबा हो गया है, मैं यहाँ सेशन यहीं खत्म करना चाहता हूँ आपकी इजाजत के साथ। हम इसे अगले सेशन में कोशिश करेंगे मुख्तसर इस बात को समेटेंगे। बारा नाजरीन, हम आपसे इस सेशन में, चूंकि गुफ्तगू आपने अभी तक ना मेन मीडिया स्ट्रीम में, ना आपने कोई चैनल जो हमारे प्रोग्राम दोस्त रन करते हैं उसमें इस एंगल से और इस तरह से, और आज ये फैक्ट्स हैं, ये हार्ड फैक्ट्स हैं, लेकिन हम चाहेंगे आप को ये सुनाते रहें। अभी फिलहाल इजाजत दीजिएगा, दोबारा मिलते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।